हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज हरी चटनी। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे धनिया पत्ती, दो हरी मिर्च, अदरक के कुछ टुकड़े, फली दाना, नींबू का रस। सुबह की टिप्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं आपके नोटिफिकेशन में दिख जाएं। उसके लिए मैं धनिया पत्ती को अच्छी तरह से धो ली हूँ, इसे जार में डालते हैं। दो हरी मिर्ची ली हूँ, अगर आपको तीखा और खाना है तो आप हरी मिर्ची और ले सकते हैं। अदरक के टुकड़े, फली दाना, फली दाना रोस्टेड नहीं है, अगर आप रोस्टेड लेना चाहेंगे तो वो भी चलेगा। एक चम्मच फली दाना, आधा चम्मच नींबू का रस और मैं यहाँ डालूंगी आधा चम्मच शक्कर, नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। हम इसमें थोड़ा ही पानी डाल के पीसेंगे, फिर अगर हमें लगे कि नहीं पिसाया है अच्छी तरह से तो हम और थोड़ा पानी डाल के पीस सकते हैं। चलिए इसे पीसते हैं। देखिए ये अभी बहुत ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के और पीस लेती हूँ। देखिए चटनी बहुत ही अच्छी से पिसा गई है, अब हम इसे एक कटोरी पे निकाल लेते हैं। देखिए हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। अगर आपको मेरी ग्रीन चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने एक नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।